हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट लॉक को हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी आपका लॉक है पहले उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं शो करना चाहते हैं तो आइस वाले आइकन से क्लिक करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपका ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि फिंगरप्रिंट लॉक में आप स्क्रीन अनलॉक करने के लिए आप फिंगरप्रिंट का यूज़ कर रहे हैं, और ऐप लॉक पर अपनी फिंगरप्रिंट लगाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑन करके यहाँ से अपना प्राइवेसी पासवर्ड डालेंगे और आपका ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको अनलॉक करने के लिए, फिंगरप्रिंट को अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना होगा, थर्ड डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको आता है रीनेम। रीनेम करना चाहते हैं रीनेम कर सकते हैं, अदरवाइज डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए और आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी जो लॉक स्क्रीन है उस पर मेरी फिंगरप्रिंट जो है काम नहीं कर रही है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इस पर जो है अपना ओपन करना होगा, मतलब पासवर्ड से ही ओपन करना होगा, शो कर सकते हैं और पासवर्ड से ही ऑन करना होगा। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।